हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सोया चंक्स के बारे में बताऊंगा और उसको आप कैसे अपना डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो पोस्ट वर्कआउट में आप उसको कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एक रेसिपी भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे चैनल के साथ भी कनेक्टेड रह सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरे पास है न्यूट्रेला का सोया चंक्स, ठीक है। तो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग इसे यूज़ करते हैं इसलिए उस मैक्सिमम पीपल में मैं भी आता हूँ, तो मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको गाइस 15 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है। 80 ग्राम मिलता है इसमें, ठीक है, और मिल जाता है 15 रुपीज़ में 40 ग्राम के आसपास। यानी अगर आप इसको दो बार भी बनाए, एक आज एक कल दो। और गाइस, इसमें फैट जो काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.5 ग्राम है पर 100 ग्राम में। कार्बोहाइड्रेट्स आपको 33 ग्राम मिलते हैं, ठीक है, और क्रूड फाइबर है इसमें 1 ग्राम, ठीक है। डाइटरी फाइबर 13 ग्राम मिलता है आपको इसमें। इसमें एसेंशियल विटामिन मिनरल्स सब प्रेजेंट है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट में भी। तो बहुत लोग बोलेंगे कि इससे एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, तो फिर टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, तो गाइस होता है, लेकिन वो अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो। अगर आप इसे एक पैकेट, आप ये अगर एक पैकेट अगर आप डेली खाएं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि आप 2 दिन में ख़त्म करें, आधा आज आधा कल, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इस बाकी बातें बाद में बताऊँगा, पहले चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट आपको वाटर लेना है 1 ग्लास, ठीक है। उसमें आपको इसमें आप आधा ग्लास ले ले, लगभग एक पैकेट जो उसका आधा मैंने लिया है न्यूट्रेला का सोया चंक्स, तो उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर वाटर में। और इसमें आप 1 स्पून नमक डाल सकते हैं, ठीक है, नमक आप डाल लें। उसके बाद गाइस आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और 5 मिनट तक छोड़ देना है इसी तरह। और जब इस तरह का आपका उफान आने लगे तो उसके बाद आपको गाइस उतार लेना है इसे, ठीक है। और इसमें गाइस अगर हम एमिनो प्रोफाइल का बात करें तो गाइस इसमें हमारा सारा टाइप का जो एमिनो एसिड्स होता है इसमें प्रेजेंट होता है। तो गाइस आप इसको अच्छे से आप पोस्ट वर्कआउट में आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो गाइस आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा इसमें। नॉन वेजिटेरियन है तब भी आप इसको एक बार ट्राई करें, देखिए एक बार, ठीक है। अब ये गाइस रेडी हो चुका है, इसको देखिए आप, मैंने ठंडे पानी लिया, ठंडे पानी में मैं इसको अच्छे से डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा, ठीक है। निचोड़ के आपको एक अलग से प्लेट में रख लेना है, ठीक है। अब ऐसे इसको निचोड़े कि मतलब सारा वाटर जो है प्लेट में रहे और जो मेन है वो उसमें चले जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर सो गाइस ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसमें फैट्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आप इसको अब गाइस ये हो जाने के बाद आपको इस प्लेट को का जो पानी है उसको फेंक देना है और इसमें आपको इसको वापस से ले लेना है, ठीक है, हमारे सोया चंक्स को। उसके बाद फिर गाइस इसमें मैं 1 स्पून ये चाट मसाला ऐड कर रहा हूँ। और अगर आप में नमक थोड़ा कम लग रहा था उस वक्त, आप एक बार टेस्ट करके देखिए, अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा और नमक ऐड कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। आप इसके साथ चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अब चाहे तो टेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब ये बन के हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसे खाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते कैसा बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएगा इसमें। अगर गाइस आपका बजट कम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके घर में भी हो सकता है ये, और ये एग से भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आप एग्स का एक ट्रे लेते हैं तो आपको 120 रुपीज़ का पड़ेगा। या तो गाइस अगर आप इसका डेली 100 ग्राम भी लेंगे तो आपका 10 दिन तक चल जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसका आपको उसमें 52 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा, और ये बहुत ही सस्ता, आपको 10 रुपीज़ में आपको 20 ग्राम 25 ग्राम तक प्रोटीन आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि एक से भी आपका सस्ता पड़ेगा। तो बजट लो, आप इसको डेली खा सकते हैं, सामने पोस्ट वर्कआउट में खाएं। पोस्ट वर्कआउट में गाइस आपको याद रखना किसके साथ, एक बनाना ज़रूर खाएं, ठीक है। और नहीं भी खाएंगे तब भी इसके साथ चलेगा क्योंकि इसमें पहले से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, और आप चाहे तो इसके साथ एक बनाना ऐड भी कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में, ठीक है। या आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं, ठीक है, लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, जब आपका इच्छा हो तब आप खा सकते हैं। तो होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी।